नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों पर। खबर छतरपुर से। छतरपुर में किसान पर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया और इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। हमला तब हुआ जब किसान अपने खेत की रखवाली करने गया था, जहां गांव के ही आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में बुरी तरह से घायल हुए किसान की इलाज के दौरान ही मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के बेटे ने गांव के एक बीजेपी नेता पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे गांव का ही बीजेपी नेता मनोज मिश्रा अपने साथियों के साथ खेत पर पहुंचा और किसान पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोप ये भी है कि परिवार के लोग जब खेत पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर मौके से भाग गए। घटना की जानकारी पुलिस को लगी और परिजनों का ये कहना है कि उन्हें पुलिस से फिलहाल कोई सहायता मदद नहीं मिल पा रही। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने 2 कर्मचारियों से 1,20,00,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश एक काले रंग की कार के पास खड़े देखे जा रहे हैं। दरअसल महाराजपुरा क्षेत्र में दीनदयाल नगर स्थित हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी में काम करने वाले प्रमोद गुजर अपने एक साथी सुनील शर्मा के साथ कार में सवार होकर इंदरगंज थाना क्षेत्र के जयेंद्रगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,20,00,000 रुपए की नकदी जमा करने जा रहा था। पुलिस के अनुसार फरियादी का यह कहना है कि तभी बैंक के पास एक गली में 2 बाइक सवार युवकों ने उनकी कार को रुकवा लिया। जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला तो एक बदमाश ने कट्टा थाना डिग्गी खुलवाई और दूसरे बदमाश ने डिग्गी में रुपयों से भरा कार्टन उठाया। बाद में दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से भाग निकले। बैतूल में रविवार की शाम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट में एक पूर्व सैनिक घायल हुआ है। घायल पूर्व सैनिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीआरपी ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। बैतूल जीआरपी को सूचना मिली कि स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में विवाद हुआ और पेंट्री कार स्टाफ ने पूर्व सैनिक के साथ मारपीट कर दी। ट्रेन जैसे ही बैतूल स्टेशन पर पहुंची तो जीआरपी ने घायल पूर्व सैनिक और पेंट्री कार स्टाफ के साथ कुछ अन्य लोगों को बैतूल में उतार दिया। घायल पूर्व सैनिक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक पत्नी और बच्चे के साथ विशाखापट्टनम जा रहे थे। इसी कोच में हजरत निजामुद्दीन के मरकज से शामिल होकर कुछ मुस्लिम समाज के लोग विजयवाड़ा जा रहे थे। मुस्लिम समाज के लोग ट्रेन में समय समय पर नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान विवाद हो गया। नमाज पढ़ने लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें नमाज पढ़ते लोगों के आने जाने से परेशानी हो रही थी। इसके बाद विवाद शुरू हुआ तो मारपीट तक पहुंच गया। मैनेजर सहित अन्य के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू की गई। ग्वालियर पुलिस ने हीरोइन बरामद की है। पुलिस ने डिलीवरी देने आए कार सवार 2 तस्करों को उपनगर बुरार से दबोचा है। तस्करों से तकरीबन 370 ग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 70,00,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि उपनगर मुरार में एमएच चौराहे के पास कार सवार 2 युवक हीरोइन की खेप की डिलीवरी देने आए। सूचना पर क्राइम ब्रांच और मुरार थाने की 2 टीमें बनाकर इसकी धरपकड़ शुरू की। इस दौरान दोनों टीमों ने कार की घेराबंदी कर दोनों तस्करों को पकड़ लिया। पकड़े गए तस्करों के पास एक प्लास्टिक की थैली में पाउडर मिला। दोनों तस्करों से तकरीबन 70,00,000 रुपए कीमत की 370 ग्राम हीरोइन और एक स्ट्रिप कार बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ग्वालियर में हीरोइन की खेप किसे देने आए थे। खबर उज्जैन से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के कोच में अचानक से आग लगने की घटना सामने आई। कोच से धुआं निकलते देख आरपीएफ और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब तक आग काफी भड़क चुकी थी, आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा कि आग ट्रेन के जिस कोच में लगी, ट्रेन पूरी तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खाली ट्रेन को खड़ा किया गया था। इसे सोमवार सुबह इंदौर रवाना किया जाना था। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और गनीमत यह है कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। भिंड के रामनगर में अवैध रूप से बने 2 मंजिला आरकेडी स्कूल की बिल्डिंग को धराशाही किया गया। बता दें आपको कि 7 नवंबर को रामनगर इलाके में रहने वाले अर्धसैनिक बल के जवान के बेटे का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने घेराबंदी के चलते अपराधियों ने मासूम की हत्या कर रात में उसकी डेड बॉडी को मकान में फेंक दिया था। 8 नवंबर की सुबह डेड बॉडी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जांच की। गहन पड़ताल के बाद 12 नवंबर को रामनगर इलाके में संचालित
आरकेडी स्कूल के संचालक पवन शर्मा और उसके पांच सहयोगियों को मासूम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद स्कूल बिल्डिंग को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की गई। उज्जैन की शिप्रा नदी के स्टॉप डैम पर बाइक सवार युवकों के साथ कुछ लोगों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट की और बाइक को नदी में फेंक दिया। घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना थाला नीलगंगा क्षेत्र के गौघाट स्थित स्टॉप डैम की बताई जा रही है। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। आरोपियों पर हत्या व हत्या के प्रयास के प्रकरण दर्ज है। विवाद का कारण जमीन व मकान पर कब्जा करना भी बताया जा रहा है। थाना नीलगंगा प्रभारी CSP विनोद मीना ने बताया कि तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया, नदी में फेंकी गई बाइक भी जब्त कर ली गई है और इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। डिंडोरी कलेक्टर ने नर्मदा तटों का जायजा लिया, साथ ही व्यवस्थाओं को तत्काल सुधारने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा डिंडोरी के नर्मदा तटों का निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान लकड़ी बेचने वाली बैगा महिला से योजना की जानकारी ली। महिला ने बताया कि उसे योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कलेक्टर ने तुरंत CO को योजना का लाभ देने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर के इस काम को देखकर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। छतरपुर में किसान ने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है छतरपुर जिले के मातकुआ थाना क्षेत्र के ग्राम रगोली के अंतर्गत आने वाले बरेदी के पुरवा का, जहां के किसान पर कर्ज था और उसने आत्महत्या कर ली। खरीफ फसल ज्यादा बारिश की वजह से नष्ट हो गई थी। रवि सीजन की फसल के लिए किसान ने कर्ज लेकर 200 फीट के दो बोर करवाए, लेकिन दोनों ही बोर में पानी नहीं निकला। नष्ट हुई फसलों का मुआवजा भी उसे नहीं मिला, जिससे किसान निराश हो गया और इस नुकसान का किसान को गहरा सदमा लगा और उसने मौत को गले लगा लिया। हाल ही में गंज इलाके के विवेकानंद वार्ड में आंगनवाड़ी में आग लगने की घटना के बाद गंज इलाके में आंगनवाड़ी में भीषण आग लगने की घटना सुनते ही आसपास अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। गंज के पुरानी प्राइमरी स्कूल परिसर के पास इस आंगनवाड़ी में जैसे ही आग भड़की, आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, तब तक केंद्र में रखा सारा सामान जल चुका था। केंद्र में फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, दवाएं, पोषण आहार और आंगनवाड़ी के दस्तावेज सब कुछ जल चुका था। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आग के पीछे किसी साजिश को बता रही है। मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतना ही। JBT लाइव पर खबरें जारी रहेंगी।